चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग अभी स्टोरी पे आ जाते हैं। जो स्टोरी मैंने इसमें सोची हुई है, दिस इज अ स्मॉल स्टोरी कॉल्ड ब्लडेड ट्रबल। एक्चुअली मेरी नहीं है ये, यूट्यूब पे थोड़ा सा मैं आइडियाज के लिए सर्च कर रहे थे, तो एक किसी जमाने की पुरानी मेरे पास एक वीडियो सेव थी, वो वापस मिल गई। दिस वीडियो थॉट कि वुड बी इंटरेस्टिंग टू मेक एज वेल एज सिंपल सी भी है, तो मुझे प्रोजेक्ट के लिए बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, बहरहाल आई विल शो यू द वीडियो, और इट्स कॉल्ड ब्लैडर ट्रबल एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट माइन द स्टोरी है, वो किसी और की है। इट्स कॉल्ड एमईएल मॉन्स्टर फ्रॉम हेल इन ब्लैडर ट्रबल। बेसिकली स्टोरी यह है कि देर इज अ मॉन्स्टर, इट्स अ 2D ड्रॉन कार्टून वीडियो, अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन फाइंड इट, और मैं फोल्डर में शेयर कर दूंगा जो प्रोजेक्ट में है। उसमें एक मॉन्स्टर आता है और ही रोल्स एंड देन ही फाइंड्स कि देयर इज अ पर्सन, वो बंदा डर जाता है, वो उसको पकड़ता है, और जैसे ही पकड़ने के उसको खाने के लगता है तो बंदा खौफ से घबरा जाता है और फिर वो नीचे फिर लीक हो जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वो पेशाब कर देता है। ठीक है, तो वो बंदा एक जो मॉन्स्टर है वो परेशान होकर उसको देख रहा है, एंड देन ही जस्ट गोस लाइक दिस, यार ये तो होना ही था। ठीक है, फिर भी मॉन्स्टर उसको खा जाता है, डकार मारता है, एंड देन ही वॉक्स अवे। ठीक है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, सिंपल सी एक वीडियो है। दिस इज अगेन, जिसमें म्यूजिक स्टुअर्ट प्रेजेंट, स्टोरी बाय जॉन एशली, कोई बंदा है उसकी है, अगेन ये मेरी नहीं है, तो मेरे क्रेडिट्स वगैरह रखे हुए हैं। व्हाट वी विल बी डूइंग इज क्रिएटिंग अ 3D कार्टून मूवी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर परसेप्शन। ठीक है, इसको हम इसी के ऊपर बेसिकली, इसके ऊपर परसेप्शन इसी के ऊपर बेस करते हुए हम एक अपनी कार्टून मूवी बनाएंगे, ब्लडेड ट्रबल मैंने भी नाम वही रखा हुआ। ठीक, तो ये मेरी स्टोरी है जिसको मुझे फॉलो करना है, उसके बाद मुझे इसकी स्टोरी बोर्ड करनी है। अब स्टोरी बोर्ड क्या चीज है? स्टोरी बोर्ड बेसिकली इज अ वेरी एसेंशियल प्रोसेस। अब इस पर्टिकुलर केस में तो मेरे पास वीडियो रेफरेंस अवेलेबल था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वीडियो रेफरेंस नहीं है, आपने जहन में खुद से अपनी कोई कहानी सोची हुई है, तो उस कहानी को मॉडल माया में करने से पहले या फिल्म बनाने से पहले हमें उसकी प्री विजुअलाइज करना पड़ता है, हमें उसमें जो है उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि सीन्स कैसे चलेंगे। तो स्टोरी बोर्डिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम मूवी नहीं बल्कि उसको प्री विजुअलाइज करते हैं ऑन पेपर की एक्चुअली मूवी कैसे बनेगी। तो उसमें हम सीन बाय सीन, शॉट बाय शॉट उसको ड्रॉ करते हैं इन दीज बॉक्सेस। तो हमने एक बॉक्स बनाया कि सीन वन में क्या होगा, एक कैरेक्टर है वो आ रहा है, बहुत सिंपल पेंसिल स्टिक कैरेक्टर है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, एक डब्बे की तरफ आ रहा है, बस की तरफ आ रहा है, और कुछ बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। सीन टू में क्या हो रहा है, सीन थ्री में क्या होगा, सीन फोर में क्या है, सीन फाइव में क्या होगा, सीन सिक्स में क्या होगा। तो इस तरह से मुझे एक प्री विजुलाइज होकर मुझे आइडिया मिल जाता है कि मुझे कैरेक्टर को किस फॉर्म में, किस सूरत में, किस शॉट के थ्रू दिखाना है। ठीक, इसी तरह से दिस कैन बी लिटिल बिट फर्दर मोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम इन्वायरमेंट पूरा बता सकते हैं कि कमरे का रूम है, उसमें फादर बैठा है, बच्चा बैठा है, वो क्या कर रहा है, फिर क्लोजअप शॉट आता है, फिर फादर का एक मिड शॉट आ रहा होता है, फिर वेरी एक्सट्रीम क्लोजअप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, फिर शॉट बाहर जाता है, बच्चा नजर आ रहा है विद होल्डिंग दैट टैबलेट या जो भी इसके हाथ में न्यूज़पेपर है, फिर फादर की तरफ जाता है। तो अगेन इट डजंट हैव टू बी अ वेरी इलैबोरेटिव, कोई बहुत बड़ी डिटेल ड्राइंग करनी नहीं करनी, यू कैन सी के बहुत सिंपल पेंसिल ड्रॉन है, और उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि यार मेरी स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करेगी। ये चीज़ बनाना बहुत लाजमी है एज अ बिगिनर, एज अ स्ट्रेटेग, कि जब आप एनिमेशन करने बैठते हैं तो हमें यार सीन कैसे बने, सर प्रोजेक्ट कैसे बने, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वंस यू हैव दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन तो आपको काम करना बड़ा आसान हो जाता है। इट कैन बी मोर इलैबोरेटिव एज वेल, जिसमें एक्सप्रेशंस वेरी एक्सट्रीम क्लोजअप की तरफ आ सकते हैं हमारे पास, या बहुत दूर का जो है एनवायरमेंटल शॉट्स आ सकते हैं, या इस हद तक के बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी की जाती है इसमें। सो स्टोरी बोर्डिंग के वेरियस डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें डिटेल ड्राइंग भी बताई जाती है, समटाइम्स वेरी बेसिक ड्राइंग भी चलती है, एज लॉन्ग एज एन एनिमेटर यू अंडरस्टैंड यू व्हाट इट इज, कि आपको सीन में होना क्या है, इन्वायरमेंट कैसे बननी है, ऑब्जेक्ट कैसे बनना है, कैमरा का एंगल मुझे क्या रखना है, क्या फेस के सिर्फ शॉट देना है या दूर से दिखाना है। तो ये मैं मूवी बनाने, माया बनाने से पहले पूरा एक प्लान बना देता हूँ कि मुझे मेरे सीन में क्या करना है। फॉर अस, क्योंकि मैंने नेट से एक वीडियो उठाई थी तो ज़्यादा मुझे टेंशन भी नहीं है उसमें, लेकिन अगर आपने हाथ से कोई कहानी सोची भी होगी तो वो कहानी आपके सिर्फ अल्फाजों में है, उसको पहले हम स्टोरी बोर्ड की फॉर्म में ले आते हैं। अच्छा, अब जब स्टोरी बोर्ड बनाने बैठे तो दो तीन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, या इवन आप जब शॉट बनाने बैठते हो, कैमरा सीन करने बैठेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक चीज़ कहलाती है एस्टैब्लिशिंग अ शॉट, जिसमें बेसिकली हम ओपनिंग शॉट भी कहते हैं, जिसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कैरेक्टर दिखाना है कि वो बिल्डिंग में जा रहा है और उसमें इंटरव्यू है, तो हम कैरेक्टर को जाने से पहले एक बिल्डिंग का लॉन्ग शॉट लेते हैं जिसमें दूर से बड़ी बिल्डिंग पूरी दिखाई जाती है नीचे से या बाहर से, या पूरे शहर का एक व्यू आता है। दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग अ शॉट।
ठीक है. दिस शॉर्ट बेसिकली मीन्स कि मैं यूजर्स को बता रहा हूँ कि माहौल, एनवायरनमेंट, लोकेशन क्या है. कभी शाम सूरज ढल रही है तो हम समंदर का व्यू दिखा के निकाल रहे होते हैं, तो वो कुछ एक फीलिंग डिलीवर एस्टेब्लिश करने के लिए वो एक शॉट आता है. ये एक अलग प्रिंसिपल है. एक फुल शॉट कहलाता है जिसमें हम पूरे कैरेक्टर जब नजर आ रहा है तो उसको फुल शॉट कहा जाता है. मीडियम शॉट जिसमें हाफ बॉडी आती है, क्लोजअप जिसमें फेस आता है, और एक्सट्रीम जब बिल्कुल कुछ एक मखसूस ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट आपके कैमरा पर नजर आ रहा है. नाउ एक्सट्रीम में फेस भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकती है, या हाथ कोई चीज लिख रहा है. तो मैंने बिल्कुल फोकस करके उस हाथ पे और पेपर पे लेकर आ जाऊं, या गाड़ी रुकी तो जो टायर आके रुका सिर्फ टायर पे शॉट गया तो ये भी एक्सट्रीम क्लोजअप है. दरवाजा खुला एक्सट्रीम क्लोजअप है, जूता उतर के नीचे आया एक्सट्रीम क्लोजअप है. ठीक है कि हमें पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट चीजें नजर नहीं आ रही, सर्टन कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम कंपोज शॉट्स. ठीक है, तो अब इन शॉट्स का मैं ख्याल रखना है ड्यूरिंग ड्राइंग के. मेरा जब सीन बनेगा तो मैंने किस तरह के शॉट्स रखने हैं. कैरेक्टर जैसे मॉन्स्टर है तो मॉन्स्टर मेरा दूर से आ रहा है तो एक एस्टैब्लिशिंग शॉट होगा मेरा कि एनवायरमेंट है वहां से पहले दूर से मॉन्स्टर आता गया और ये फुल शॉट नजर आएगा. पूरा मॉन्स्टर मेरे कैमरा के सामने आएगा और फिर वो दौड़ेगा. तो मुझे एस्टैब्लिशिंग शॉट बनाना है पहला सीन, दूसरे में मुझे फुल शॉट दिखाना है. ठीक है, उसके बाद फिर मुझे इसका आगे सीन बाय सीन प्रोग्रेस करना है. फिर जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का भी मुझे फुल शॉट दिखाना है, लेकिन जब वो हाथ पे आएगा तो वो मेरा एक क्लोजअप शॉट होगा एक्सट्रीम, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर और हाथ नजर आ रहा है ना. सो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट. अच्छा, अब जब स्टोरी बोर्ड आप अपने खुद करने बैठोगे तो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको नेट पे मिल जाएंगे. दिस इज वन टेम्पलेट बेसिकली स्क्वायर बॉक्स, और नीचे डिस्क्रिप्शन आती है. डिस्क्रिप्शन इन फॉर्म ऑफ सीन कौन सा है, शॉट कौन सा है, कैमरा कौन सा है, स्टोरी क्या है, डायलॉग क्या है, साउंड कौन करेगा, एनिमेटर कौन है, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो आप हर शॉट के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं वो हमारी इस स्टोरी बोर्ड में जाता है. उसका एक टेम्पलेट ये है, दूसरा टेम्पलेट, तीसरा टेम्पलेट, ये तीनों चारों डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिसमें हम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं. तो कुछ चीज़ ड्रॉ कर दी कि सीन मेरा ये होगा और उस सीन से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सीन मेरा ये होंगे और उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके नीचे हमारे पास प्रोसीड हो रही होती है. दिस इज वॉट वी डू वेन वी ट्राई टू क्रिएट बेसिक ऑफ स्टोरी बोर्डिंग. ठीक है, इन माई केस मेरे पास ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है. ठीक है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं इस वीडियो को डुप्लीकेट करने बैठा हूँ तो मेरे पास सीन बाय सीन इंफॉर्मेशन हर चीज की मौजूद है कि किस तरह से प्रोसीड करेगी. ठीक है, आई जस्ट हैव टू फॉलो दिस वीडियो और मुझे पास सीन आएगी. समटाइम्स दैट बिकम्स इवन मोर इजी. समटाइम्स हम वीडियो को थोड़ा सा अडॉप्टेशन लेते हैं और फिर वीडियो को चेंज कर देते हैं. तो आई कैन चेंज द वीडियो एज वेल और आई कैन इन्फॉर्म द डिफरेंट थिंग्स विद दैट. सो फॉर दैट अगर मुझे अपनी स्टोरी बोर्ड करनी है तो बेसिकली मैंने एक शीट यूज़ की हुई है. मैं अपनी तर्ज पे सर ये एक शीट मैंने अपनी बनाई हुई है जो अक्सर मैं रेफर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने प्रोजेक्ट्स में. दिस इज़ व्हाट आई यूज़ फॉर माय स्टोरी बोर्डिंग. तो फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विद द प्रोडक्शन टाइटल और दैट इज लैडर TROUBLE ट्रबल. ठीक, सॉरी लैडर ट्रबल, ये मेरे पास मेरे स्टोरी का नाम आ गया. प्रोडक्शन स्टोरी तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल वही हम कह सकते हैं कि मॉन्स्टर अटैक है. इस सीन में क्या होने जा रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन शीट में जो है किस चीज़ पर डिस्कस हो रहा है. ये सीन वन होगा. इस पूरे सीन में टोटल फॉर एग्जाम्पल मैंने 6-7-8 शॉट्स रखने हैं, 8-10 शॉट्स आएंगे मुझे नहीं पता. कैमराज टोटली मैं फॉर एग्जाम्पल इन माई अंडरस्टैंडिंग 5-6 कैमराज में यूज़ करूँगा. कैरेक्टर इसमें 2 कैरेक्टर्स होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो तो इसमें लिख दो कि फॉर एग्जांपल एक मॉन्स्टर होगा, ठीक है, दूसरा मेन गाय होगा एक लंबा चौड़ा. एनिमेटर इसमें जो होगा मैं खुद ही होगा, क्योंकि अगेन डिपेंडिंग ऑन दिस हो सकता है कि आप जो प्रोडक्शन में काम करो तो 3-4 बंदे एक साथ काम कर रहे हो तो आप सीन वाइज डिवाइड कर दो कि यार ये सीन वन की स्टोरी बोर्ड है, ये तुमने एनिमेट करनी है, सीन टू की दूसरे बंदे ने एनिमेट करनी है, सीन थ्री की. तो हमने शीट्स पे लिख दिया कि यार कौन कौन उसका एनिमेटर होगा ताकि हम जरा पता चल जाए. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्शन में, एक सीन पर 2-3 लोग काम कर रहे हैं. तो दिस बेसिकली मीन्स कि आपको पता चल रहा हो कि इस प्रोडक्शन में क्या हो रहा है और आपका हर स्टेप ट्रैक्ड हो, ऐसे ही बस बिला आना हबड़दूस करके सब चीज़ें ना हुई. तो हमने वो चीज़ इसमें बता दी. असिस्टेंट अगर कोई आपका है तो यू प्रोवाइड दैट. साउंड पे कौन काम करेगा उसके ऊपर हमने डेटा बता दिया. चेक पूरी डेटा आपका क्लियरली चेक्ड है नहीं है, और शीट नंबर कौन सी है. फॉर एग्जांपल ये मेरी पहली शीट है तो पहले इस तरह से सीन टू की अलग है, सीन थ्री की अलग, सीन फोर की अलग, डिपेंडिंग ऑन माई स्टूडियो बहुत सारी शीट्स बन सकती हैं. सीन वन की ही 4 शीट्स बन सकती हैं. तो आई कैन स्पेसिफाई फॉर एग्जाम्पल अगर सीन वन ही है तो /scene1 out of 1 मीन्स के पहली शीट सीन वन की है. ठीक है, या समटाइम्स कुछ लोग नंबर दे देते हैं कि सीन वन उसकी 5 टोटल शीट्स हैं, ये पहली शीट है हमारे पास,
इसी तरह से दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट आउट ऑफ फाइव, ताकि मुझे पता चले कि टोटल पांच शीट्स हैं सीन वन की और उसमें से पहली शीट ये रही वगैरह। बहरहाल आपके ऊपर है। फिर आ जाते हैं एक्चुअल स्टोरी बोर्ड के ऊपर। व्हाट आई विल डू विद दिस थिंग इज के मेरे पास जब स्टोरी बोर्ड आ जाता है तो मैंने इसका ब्लैडर ट्रबल की एक एक्चुअली क्या किया था, फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है ताकि मैं इसको ज़रा सा देख सकूँ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर को फ्रेम बाय फ्रेम किया हुआ है कि मेरा सीन कैसे प्रोसीड करेगा फॉर द सेक ऑफ स्टोरी बोर्डिंग। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल कॉपी दिस, इस फ्रेम में यहाँ पे कॉपी किया और इसको हम उठा के यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं। और आई थिंक ये थोड़ा सा जंप हो गया, लेट मी कम बैक हियर। तो ये मेरा हो जाएगा सीन वन, शॉट वन, और कैमरा भी मेरे पास, इनफैक्ट इसको मैं सी वन कर देता हूँ, कैमरा वन। स्क्रिप्ट इसमें हो क्या रहा है, समटाइम्स यू नीड टू स्पेसिफाई, समटाइम्स नहीं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आप क्या करना चाह रहे हो। मैंने इस पर्टिकुलर केस में कह दूंगा कि भाई मेरा जो ये शॉट है इसमें मॉन्स्टर अपीयर्स, ठीक है, और वो अपीयर होके तो आ रहा है हमारे पास। डायलॉग ऐसा जिसमें फिलहाल कोई भी नहीं है, और मैं मॉन्स्टर आर ओ रोज ठीक रहा है हमारे पास। ये सीन वन शॉट वन हुआ, ठीक, मीन्स पहला सीन स्टार्ट हुआ, वीडियो जैसे स्टार्ट हुई सीन वन शॉट वन आ रहा गया हमारे पास। सीन टू शॉट टू, और ये जो है इसमें मैं दिखा सकता हूँ कि भाई मेरा जो मॉन्स्टर है वो चीखता चिल्लाता हुआ थोड़ा और कैमरा के करीब आ गया। ठीक है, अब ये सीन वही कंटिन्यू है मेरा, सो आई वुड जस्ट नेम इट एज सीन वन। शॉट जो होगा इसको भी मैं आई कैन से कि शॉट वन ही है, बिकॉज टेक्निकली कैमरा को मैं चेंज नहीं करूँगा, कैमरा को हम चेंज नहीं करेंगे, मैं दिखा रहे हैं कि बस वही कैमरा फिक्स्ड है, कैरेक्टर दूर से करीब चलता हुआ आ रहा है। तो सीन वन शॉट वन है और ये कैमरा भी मेरा वन ही इस्तेमाल हो रहा है, जस्ट टू विजुलाइज के हाउ मच सीन इज प्रोग्रेसिंग। उसके बाद फिर मैंने तीसरा कॉप सीन उठाया और उसको फिर मैंने यहाँ पर रखा। इसको हम ब्रेक कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल चले एक काम ही करते हैं, इसको मैंने उठाया यहाँ पहन लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि पीपल रनिंग, पीपल आर रनिंग, अब मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर रहा, दिस बिकम्स माई सीन टू। ठीक, शॉट वन, और इसके लिए जो है मैं कैमरा अपना कैमरा टू यूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे पीईओ पीपल रनिंग इन स्ट्रीट्स एंड शाउटिंग। ठीक है, तो ये मुझे एक आइडिया हो गया क्योंकि मुझे दो सीन्स दिखाने के, इसमें कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है और एकदम से शॉर्टकट हुआ, दूसरा सीन आया, दूसरे सीन में दिखाना है कि लोग जो हैं वो लोग भाग रहे हैं, उसमें मुझे मॉन्स्टर्स नहीं स्ट्रीट व्यू दिखाना है। स्ट्रीट व्यू दिखाना है मुझे कि व्हाट इज द स्ट्रीट व्यू एंड हाउ उसमें लोग जो हैं वो रन कर रहे हैं, शाउटिंग हो रही है पीपल्स की, व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग। ठीक, तो दिस बेसिकली अगेन, अब मैं इसमें ड्रॉ नहीं कर पा रहा तो मैंने लिख दिया क्या करना, लेकिन बेहतर होता कि हम एक ड्रॉ करके स्ट्रीट बना के लोग बना के दो तीन लोग स्ट्रीट से दिखा देते, आइडिया जो था वो था। फिर हमारे पास सीन थ्री जो आएगा उसमें मॉन्स्टर का एक क्लोजअप आ जाएगा और इस तरह से मॉन्स्टर का ये जो क्लोजअप है इसको उठा के मैंने यहाँ पे ला के रखा, दिस गाय अगेन कम्स हियर, और ये फिर मैं दो तीन, क्योंकि उसमें एनिमेशन स्विच हो रही है, कंट्रोल सी कंट्रोल सॉरी इसको भी पले एंड ये भाई को सेलेक्ट किया। अब उसूलन ये चीज़ें आपको ड्रॉ अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके आर्ट डिज़ाइन में हम लोग सारा ऑलरेडी कर लेते हैं कि क्या चीज़ होगी, मैं भी आर्ट डिज़ाइन पे आके बात करूँगा। बट तक 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 सीन, अब दिस इज गोइंग टू बी सीन, ये टू था, ये सीन थ्री हो गया मेरे पास और ये शॉट मेरे पास हो जाएगा वन। ठीक, अब बेसिकली ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि मुख्तलिफ सीन्स हैं, हर सीन के अंदर शॉट्स अलग अलग हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, इसकी जो हायरार्की बन रही है वो ये बनती है कि आपका एक सीन है, एक सीन के अंदर मुख्तलिफ शॉट्स हो सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, जैसे सीन वन है उसमें शॉट वन, ये दोनों हो गए, दूर से कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है। फिर सीन टू एक कट हुआ, दूसरा लोग स्ट्रीट व्यू आ गया जिसमें मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा, लोग नजर आ रहे हैं, लोग चीखते हुए भागते हुए जा रहे हैं मेरे पास, तो ये अलग सीन हो गया। उसमें मैंने एक कैमरा लगाया जिसमें शॉट दिखा रहा है, लोग भागते हुए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसी सीन में मैंने कैमरा किसी लेडी पे फिक्स करूँ, टड़क वो अलग शॉट हो गया, फिर एक बच्चे पे शॉट करूँ तो उसमें बच्चा उठा के कोई भाग रहा है अलग हो गया, मेरा जो एक केओस का सीन है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स देखा, तो सीन के अंदर तीन चार छोटे छोटे शॉट्स
करते हैं. इसी तरह से सीन वन आ गया, तो उस सीन वन के अंदर ये छोटे छोटे अलग से शॉट्स आ गए हमारे पास. ये भी जिसमें हम शॉट फोर एक्चुअली, और उसको फिर शॉट वन कैमरा सेंड फोर, इसका जो स्क्रिप्ट होगा कि पर्सन सीज मॉन्स्टर कमिंग एंड गेट्स स्केयर्ड एंड tries to run away. ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदा है वो उसको देख के भागने की कोशिश करेगा. ये मेरा सीन फोर हो गया. सीन फाइव में जो मॉन्स्टर मुझे नजर आएगा, नहीं बल्कि इसका जो बंदे का हाथ है, सॉरी किधर गया, मॉन्स्टर का हाथ आएगा, वो उसको फटाफट से पकड़ेगा. ठीक है, और then that hand will come to the monster, वो उसको monster पकड़ के अपनी तरफ लेके जाएगा. ठीक है, और फिर वो monster उसको खाने की करेगा. Perfect. Thak thak thak. This would become my scene 5, और ये उसका shot हमारे पास 1 हो जाएगा. ठीक है, इनफैक्ट ये shot 1 नहीं, इसमें shot 1 में ये हाथ को पकड़ेगा, और ये जो दो हैं, एक ये वाला, इसको अलग लिया था. ठीक है, दिस कम्स हेयर एंड दिस कम्स हेयर. दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू शो यू गाइस कि हो क्या रहा है इसमें. ठीक है, तो ये सीन फाइव, और उसका हमारे पास, क्योंकि इसमें डायलॉग्स नहीं है तो मैं हटा देता हूँ. ठीक है, ये सीन फोर हुआ. सीन फाइव में हाथ आया, हाथ ने उसको पकड़ा, एंड देयर वी गो. ठीक है, इसमें भी इसका एक ही शॉट है हमारे पास. परफेक्ट. कैमरा जो होगा इसमें भी आई कैन यूज द सेम कैमरा फोर सी फोर. ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे इसमें नहीं चाहिए. ऑब्वियसली एविडेंट है कि हाथ में आके उसको पकड़ा है. फिर मेरे पास अब ये हो जाएगा सीन फाइव का ही शॉट टू. ठीक है, जिसमें मुझे उसी सीन को कंटिन्यू करना है कि हाथ उसके पास आया, पर ये अलग कैमरा होगा, अलग शॉट होगा, और इसमें जो कैमरा होगा वो मैं फिर कैमरा फाइव अलग यूज़ करूँगा. तो जिसमें वो हाथ को पास लेकर आ रहा है तो कैमरा का एंगल आपका चेंज हो जाएगा. हाथ के पास आया, उसने एकदम से उसको खाने के लिए मुँह खोला. ठीक है, तो ये जो था अलग होगा. अब यहाँ पर देयर कैन बी टू सेपरेट कैमराज एज वेल फॉर दीज टू शॉट्स. उसको आप अलग से भी रख सकते हो कि शॉट सीन फाइव शॉट वन, सीन फाइव शॉट टू, जिसमें ये नज़र आ रहा है, और कंट्रोल एक्स इसको उठा के हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले गया मैं, और ये दिस कैन बी माय सीन सेपरेट शॉट. तो ये डिपेंडिंग ऑन के आपके सीन को आप किस तरह से डिपेंड करना चाह रहे हो. मैंने फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और समझने के लिए अलग अलग भी कर दिया कि सीन फाइव इसका शॉट टू ये रहा, और ये जो होगा मेरे पास सीन फाइव का शॉट थ्री. तो एक ही सीन कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर उसके डिफरेंट कैमरा एंगल्स हैं, और हर कैमरा एंगल को जो है मैं अलग कैमरा से शूट करूंगा. तो यहाँ पे कैमरा अलग हुआ, तो ये सी फोर सिर्फ हाथ को दिखाएगा. तब कैमरा दूसरा हुआ जिसमें मॉन्स्टर उसको करीब ला रहा है, हंस रहा है, और फिर उसको एकदम से शॉर्टकट हुआ, सिर्फ फेस दिख रहा है मुझे. तो फेस के लिए जो है मैंने अलग ही कैमरा यूज करूंगा मैं, जिसमें वो अलग से सिर्फ फेस नजर आ रहा है, उसको खाने के लिए मुंह खोल रहा है. ठीक है, तो ये तीन शॉट्स अलग हो गए, लेकिन सीन उस वही सीन को मैंने फॉलोअप किया. फिर एकदम से जो था हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आपका अला भला करे अलग शॉट. ठीक है, दिस वुड बी शॉट सिक्स सीन सिक्स शॉट वन. ठीक है, ये छठा सीन होगा जिसमें मुझे कैरेक्टर को डरते हुए दिखाना है, और ये उसका जो हमारे पास एक शॉट आ जाएगा. ठीक है, परफेक्ट. उसके बाद जो है बेसिकली हमें दिखाना है कि उसका पेशाब निकल गया, और ठीक है, यस. तो मैं इसी सीन को कंट्रोल सी कॉपी करूंगा मैं कंट्रोल एस, और इनफैक्ट आई वुड ट्राई टू कॉपी एंटायर थिंग एंड आई वुड गो एंड इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज and then control V here. ठीक, अब ये मेरे पास शीट टू आ गई. शीट वन वो कंटिन्यू थी. इस सीन के अंदर भी मेरे पास लेट्स सी कितने सीन होते हैं, ये डिटेल्स मैं बाद में कलेक्ट कन्फर्म करता हूँ. ठीक है, और बेसिक डेटा उसमें मौजूद है वो मैं डिलीट कर देते हैं. प्रीवियस सीन में मेरे पास कैरेक्टर कांप रहा था,
उसके बाद ये चीज़ हो गई मेरे पास डिलीट क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट की है, तो ये सीन अलग हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये मेरे पास वही सीन कंटिन्यू है, सीन सिक्स शॉट टू हो गया ये, और कैमरा जो होगा प्रीवियसली हमारे पास कैमरा जो था वो सी सेवन हो जाएगा, कैमरा सातवां कैमरा। अब यहाँ पे सातवां कैमरा का मतलब ये कि हर कैमरा अलग अलग शॉट होगा, हम सेम कैमरा जो प्रीवियस थे वो अपने शॉट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने एक्चुअली माया में गए नहीं है तो मैं यहाँ पे हर शॉट को अलग कैमरा असाइन कर रहा हूँ कि ये कैमरा फेस का अलग होगा जो सिर्फ फेस पे फोकस होगा, ताकि मुझे बार बार यूं कैमरा को हिलाना ना पड़े ना। तो एक कैमरा जो पूरे वाइड एंगल पर है, दूसरा कैमरा जो सिर्फ फेस पर है, तीसरा कैमरा जो उसके हाथ पे लगा हुआ होगा, ताकि वो मेरे पास ऑलरेडी हर कैमरा हर एंगल को डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। तो ये वही कैमरा है फॉर एग्जाम्पल जो हाथ के ऊपर है, कैमरा सेवन। तो यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कैमरा, लेकिन अभी एकदम शॉर्ट वाइड हो गया, तो या तो मैं शॉट को एकदम वाइड करूँ जूम आउट, या एक वाइड एंगल से फर्क करके दिखाई कि अब एकदम कैरेक्टर हमें नजर आ रहा। तो फॉर दैट पर्पज अगेन मैं यहाँ पे कैमरा एड यूज करूंगा कि यार यहाँ पे कैमरा मेरे पास चेंज हो गया। ठीक है, डायलॉग्स और फिलहाल जो है हम इस पर डायलॉग हटा दी, स्क्रिप्ट पर्सन डज यार इसको क्या लिखा जाए अंग्रेजी में, प्लीज कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज किसेस, ठीक है। तो बंदा जो है उसने वहां पे पेशाब कर दिया। ये सीन सिक्स अभी भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, उसी सीन का शॉट टू है। सीन सिक्स में हमारे पास पहले में कैरेक्टर नजर आया, दूसरे में उसने पेशाब किया, फिर तीसरा जो सीन होगा हमारे पास उसमें उसी के ऊपर वापस हाथ के ऊपर फोकस चला जाएगा। तो अगेन ये जो भी सीन सिक्स शॉट थ्री, ठीक है, और उसका जो कैमरा होगा दैट वुड बी कैमरा नाइन। तो अब इस सीन की कंपोजिशन ऐसे कि सीन सिक्स में पहले मुझे कैरेक्टर नजर आ रहा, ठीक है। इनफैक्ट एक चीज में हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो सीन सिक्स था उसको पूरा अलग ही रख सकते हैं। खैर चलें, वी कैन गो इनटू दैट। तो हर सीन में पहले सीन सिक्स है उसमें सिर्फ हाथ की एक्टिविटी नजर आ रही है, उस सीन में एक शॉट में कैरेक्टर मुझे नजर आ रहा है जो डर रहा है, दूसरे शॉट में वो पेशाब कर रहा है, तीसरे शॉट में हाथ खोद रहा है तो उसका पेशाब नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये एक कंप्लीट मेरे पास सीक्वेंस सीन की बन गई। उसके बाद जो आखिरी शॉट आएगा इसी का, उसमें वो बेचारा जो है वो कह रहा है कि यार क्या कर सकता है इंसान। ठीक, दैट विल बी माय शॉट फोर। फॉर दैट अगेन अब ये वो चीज है जो कंटिन्यूटी में है, तो मे बी मैं इसके लिए सेम कैमरा इस्तेमाल करूं। अगेन दैट गोस सी दैट विल सी हाउ इट गोस। तो ये चीज हुई यहाँ पे, देन लेट मी डिलीट दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो ये चीज होने के बाद यहाँ पे ये शॉट आ जाएगा जिसमें भाई जो भाई हमारा उसको देख रहा है, ये कंप्लीटली अलग शॉट हो गया जिसको मैंने सीन सेवन कर दिया। सीन सेवन का शॉट वन, ठीक, वाइड एंगल एकदम, कैमरा चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ आपका, और इसका भी अगेन कैमरा दिस टाइम वुड बी कैमरा 10। ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस गोस। इसमें बंदा दूर से नजर आ रहा है मुझे। उसके बाद इसी सीन में रहते हुए पंग पुड़ांग पुड़ांग हमें दिखाना है कि उसने उसको खा भी लिया। ठीक है, और फिर अगले शॉट में मुझे दिखाना है कि उसने डकार मारी। ठीक है, फिर अगले शॉट में दिखाना है कि अब वो चलता हुआ बाहर चला गया। परफेक्ट, ठीक। सो इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया है, गैस ये फिलहाल काम के नहीं है, इनको डिलीट कर दिया। एंड लेट मी ब्रिंग दिस अप, सो दिस बिकम्स माय शॉट सेवन। यहाँ पे था ये शॉट सेवन ही होगा, उसकी सीन सेवन शॉट टू। ठीक है, ये सीन सेवन शॉट थ्री, और ये सीन सेवन शॉट फोर। तो अच्छी बात, यहाँ पे कैमरा जो था 10 था, आई थिंक यहाँ पे भी वही कैमरा मैंने इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कैमरा 10 ही होगा आपका इस्तेमाल। ठीक है, ताकि सेम कैमरा कैमरा 10 कैमरा 10 कैमरा 10 ये तीनों शॉट्स दिखाएगा, सीन 7 सीन 7 सीन 7।
but basically different shots usme execute ho rahe hain. Finally long shot hai camera 7 ka hi jisme character ne khane ke baad shot 4 mein door ja raha hai to yahan pe maine jo tha uska camera change kar denge hum naya camera lenge. So there we go. Here we go. So ye basically hamare paas mere hamari jo scene sequence thi uski storyboard complete ho gayi. ठीक है, so now you can see this के scene one, shot scene one, character walk करता हुआ आया, people नजर आएंगे, buildings view मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद monster roar करेगा, बंदा नजर आएगा, बंदे को वो पकड़ेगा, फिर बंदे को करीब ले आएगा, जैसे ही खाने गया तो बंदा डरेगा, डरने के बाद वो पेशाब कर देगा, पेशाब करके बंदा हाथ खोलेगा, देखेगा उसको पेशाब होता नजर आया, वो बोलेगा मैं क्या करूं, इसने भी परेशान व्यू में नजर आएगा, फिर उसके बावजूद भी वो उसको खा जाएगा, डकार मारेगा, हाथ को झाड़ेगा और चलता हुआ. So this is what we do in storyboard. So मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा scene progress किस तरह से कर रहा है और किस तरह से काम करेगा. उसके बाद finally हम एक art direction करते हैं इसमें characters के बारे में, उसके different angles, poses लगते हैं. अब again luckily because मुझे मैं video ही follow कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें video से ही already मिल गई. वरना हम normally draw करके भी use करते हैं कि building कैसे होनी चाहिए. Art designer basically decide किया था कि environment आपकी कैसे हो, location कैसे हो, buildings कैसे नजर आनी चाहिए, कैरेक्टर्स कैसे नजर आने चाहिए, अब क्या सीन के अंदर कैसे क्या दिखाना चाह रहे हो, तो उसके रेफरेंसेस वीडियोस कुछ हम यूज करते हैं कि किस तरह से आपको प्रोग्रेस होना चाहिए. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरा जो अभी प्लान होगा कि ये पूरी वीडियो है, मॉन्स्टर चलता हुआ आएगा, तो वी विल मॉडल अ स्ट्रीट इन माया. इसमें दो तीन बिल्डिंग्स रखेंगे हम, स्ट्रीट होगी, कुछ लोग होंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखाऊंगा मैं, दो चार लोग दिखाएंगे वो देख रहे हैं और भाग रहे हैं. उसके बाद मॉन्स्टर दूर से चलता हुआ आएगा, मे बी बिल्डिंग के पीछे से, ताकि बिल्कुल दूर से नजर आए कि मॉन्स्टर एकदम धड़ाम धड़ाम धड़ाम. अब क्योंकि ये वीडियो एक है सिंपल, इसके अडॉप्टेशन हम करेंगे थोड़ा सा और मॉडिफाई और एग्जैजुरेट जरूर किया जाएगा, तो उसको भी धड़ाम चलता हुआ नजर आएगा. अब कैरेक्टर हमारे पास आएगा दूर से, और फिर वो इसी स्टोरी बोर्ड के तहत फॉलोअप होते हुए कि वो आएगा और फिर कैरेक्टर को उठाएगा, खाएगा, इन्वायरमेंट पूरी हमारी इस तरह से बनेगी. तो मुझे पूरा एक माइंड में प्लान बन गया कि हाउ मच सीन इज गोइंग टू प्रोग्रेस, हाउ मच सीन शुड बी. ठीक है, और कैरेक्टर्स के डिफरेंट पोजेस मुझे क्या होने चाहिए, तो मुझे कैरेक्टर चाहिए जो कि बहुत थिक हो, और उसकी जो फेस होगा वो ऑलमोस्ट उसकी आधी बॉडी जितना इतना ज़्यादा खुलना चाहिए. ठीक है, और फिर उसको डकार भी देनी है, तो उसका फेस और जो एब्डोमिनल एरिया है वो बेसिकली बड़ा एक अजीब सा इसमें ये कैरेक्टर है हमारे पास, तो दिस वुड बी अ चैलेंज टू मॉडल एज वेल. ठीक है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो जुगाड़ बहुत है. ठीक है, तो वंस वी हैव दैट, यहाँ तक ये बेसिक प्री प्रोडक्शन का सारा साइकिल था. मुझे अभी पूरे माइंड में बन गया कि मेरी वीडियो कैसे बननी चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे होगा मेरा. होपफुली ये चीज़ आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी. अब एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, आप अपनी कोई स्टोरी उठा रहे हो, उसकी स्टोरी बोर्डिंग है, डू डिस्कस, वी कैन हैव दैट स्काइप सेशन और व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस करो कि भाई सर हमें क्या करना चाहिए, वी कैन डू दैट. ठीक है, नेक्स्ट फेज में बेसिकली अब हमारे पास आ जाता है माया की मॉडलिंग, जिसमें हम मॉडल जाके करेंगे. तो वी वुड स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, जो मेरा मेन कैरेक्टर है इसी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल करेंगे. वंस वी हैव द कैरेक्टर, तो फिर नेक्स्ट फेज में हम पहले कैरेक्टर लोकेशन और बाकी चीज़ें जो है इसके ऊपर प्रोग्रेस करेंगे कि हमें क्या जाना है. ठीक है, नेक्स्ट फेज में वी वुड डिस्कस कि हमें करना क्या है, किस तरह से प्रोसीड करना है, और थोड़ा सा एक और पाइपलाइन का एक स्टेप है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, डू कॉन्टैक्ट मी इफ एनी प्रॉब्लम. ये तमाम फाइल्स रिप्रेजेंटेशन समेत स्टोरी बोर्ड समेत मैं जो है शेयर कर देता हूँ फोल्डर के ऊपर जो हमारा शेयरिंग है. ठीक, थैंक यू.